नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों क्या हुआ। साल खत्म होने जा रहा था, यानी कि 2023 खत्म होने जा रहा था, उससे 3 दिन पहले रांची के एक इलाके में कुछ लोग खड़े थे। अचानक वहां पास की बिल्डिंग से एक महिला बाहर झांकती है और वो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर है और वहां से वो आवाज लगाती है कि अरे देखो देखो, यहाँ पर एक बच्ची पड़ी है। जो नीचे लोग खड़े होते हैं उनमें चांद मोहम्मद जी भी थे, वो भी इस आवाज को सुनते हैं। उसके बाद जो लोग उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं तो वहां वो बिल्डिंग अंदर से बंद होती है, वो जा नहीं पाते हैं। उसके साथ दो और बिल्डिंग लगी हुई है, उनमें से एक और बिल्डिंग के पास जब वो जाते हैं तो देखते हैं उसमें भी ताला लगा हुआ है। तो वो जो थर्ड बिल्डिंग है उससे वो ऊपर जाते हैं, वहां से फिर वो बगल वाली बिल्डिंग में जाते हैं, वहां से उस बच्ची को उठाते हैं। बच्ची का जो ये वाला इलाका है, यानी कि नाक और मुंह का इलाका है, ये पूरी तरह से घायल है, उस पर खून लगा हुआ है और उसका पूरा यहाँ से सूजा हुआ है, जो कि आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। इस हालत में वो बच्ची को पाते हैं और इसके बाद तुरंत उसे अंजुमन अस्पताल ले जाते हैं। देखते ही देखते ये जो सूचना है ये पूरे शहर में फैल जाती है। रांची से CWC को भी इस घटना की जानकारी मिलती है। हिंद पीढ़ी इलाके में, जो कि हिंद पीढ़ी थाना के अंतर्गत आता है, वहां पर ये घटना घटी थी। 28 दिसंबर की ये घटना है और इसकी जानकारी पालोना को रांची की एक वरिष्ठ पत्रकार चेतना झा जी से मिली थी। पालोना इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। रांची से CWC को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने बच्ची को रानी चिल्ड्रन अस्पताल में एडमिट करवाया, क्योंकि बच्ची की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया, क्योंकि वो इतनी ठंड में न जाने कितने घंटों से वो बाहर ही इस तरह से छोड़ दी गई थी। ऐसा भी सुनने में आया था कि बच्ची औंधे मुंह मिली थी। पालोना ने बच्ची को बचाने वाले चांद मोहम्मद जी से भी बात की थी और उसके बाद ही उसे ये सारी जानकारी पता चली थी कि इसे इस तरह से बच्ची को वहां पर छोड़ दिया गया था। तो मैं एक बार यहाँ से जाने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का काम मत कीजिए। बच्चों को इस तरह से मत छोड़िए, बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो पहले तो पैदा ही मत कीजिए, अगर पैदा कर भी दिया है तो कम से कम उसके लिए सुरक्षित स्थान का चयन जरूर कीजिए। मैं रांची पुलिस से भी कहूंगी कि उन लोगों की तलाश की जाए जहां पर बच्ची मिली है, वो एक छज्जे खिड़की के जो ऊपर छज्जा होता है वहां मिली है। कोई भी नीचे से इस तरह से बच्ची को वहां नहीं रख सकता है। निश्चित तौर पर ये आसपास की बिल्डिंग से ही किसी का काम है, तो रांची पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच करे, इसकी तह में जाए और देखे कि किसने बच्ची के साथ इस तरह की निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया है। उन्हें गिरफ्तार करे, उनके बारे में समाज के लोगों को भी बताए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे और वो अनसेफ अबेंडनमेंट, यानी कि बच्चों को इस तरह से छोड़ने के बजाय सेफ अबेंडनमेंट, यानी कि किसी पालने में, किसी अस्पताल के बेड पर रखना, या फिर सेफ सरेंडर, यानी कि बच्चे को CWC को सौंपना, इसका चयन करें। इसके साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।